हेलो बच्चों, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 11 मैथमेटिक्स पर अपन कर रहे थे एस एल धोनी का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 14 का सॉल्यूशन अपन आज करने वाले हैं। एक्सरसाइज 14 का सॉल्यूशन करने के लिए आपको सीडी फार्मूले याद होने चाहिए। सम टू प्रोडक्ट वाले फार्मूले जो है आपको याद होने चाहिए। साइन जी प्लस साइन डी, साइन जी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये फार्मूले याद होने चाहिए। ये फार्मूले याद कीजिए और चलिए अपन स्टार्ट करते हैं एस एल धोनी एक्सरसाइज 14। अपन को पढ़ना है सी डी फार्मूला, है ना। तो बेसिकली जो है एक्सरसाइज 14 ऑफ एस एल धोनी अपर से बेस्ड जो होगी वो करेंगे। तो पहले अपन वो फार्मूले समझ लें। हमारे पास जो फार्मूले होते हैं उसको अपन पहले नोट कर लें, फिर प्रूफ करेंगे अपन। ये होता है साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी वाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू। दूसरा फार्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी वाई टू इंटू साइन सी माइनस डी वाई टू। तीसरा फार्मूला होता है कॉस सी प्लस कॉस डी का। ये होता है टू कॉस सी प्लस डी वाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू। चौथा होता है कॉस सी माइनस कॉस डी का। तो कॉस सी माइनस कॉस डी के बेसिकली दो केस होते हैं, दोनों केस अपन को याद रखने पड़ते हैं। पहला केस होता है टू साइन सी प्लस डी वाई टू इंटू साइन, सब में सी माइनस डी आ रहा था, इसमें डी माइनस सी आएगा, डी माइनस सी वाई टू, या फिर माइनस बाहर आ जाएगा। तो टू साइन सी प्लस डी वाई टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी वाई टू। इन दोनों पे अपन को स्टार लगा लेना है, क्योंकि सब में सी माइनस डी था, इसमें डी माइनस सी है, या फिर सब में बाहर प्लस था, इसमें बाहर माइनस है। तो इसलिए ये पांच फॉर्मूले होते हैं। अच्छा, यहाँ पे इनमें सम है और इस तरफ प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए इन फॉर्मूले को सम टू प्रोडक्ट फार्मूला भी बोलते हैं। सम टू प्रोडक्ट फार्मूलाज बोलते हैं। और इसमें सी और डी एंगल्स का यूज़ हो रहा है, तो इसलिए इनको सी डी फार्मूला भी बोलते हैं। तो पहले आप ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए, फिर अपन का प्रूफ करेंगे, फिर अपन के क्वेश्चंस करेंगे। नोट कीजिए, अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े थे पहले, अपन ने टू साइन ए इंटू कॉस बी, है ना, टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू कॉस ए इंटू साइन बी, टू कॉस ए इंटू कॉस बी और टू साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे। अपन एक बार इन फॉर्मूले को उल्टा लिख लेते हैं। भाई देखो, ये हमारे पास है ए साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, हमने पढ़ा था टू साइन ए इंटू कॉस बी, ऐसा लिख लें। फिर हमने पढ़ा था साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू था टू कॉस ए इंटू साइन बी। फिर हमने पढ़ा था कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू था टू कॉस ए इंटू कॉस बी। चौथे वाले में स्टार लगा था क्योंकि उसमें पहले कॉस ए माइनस बी था। कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी इक्वल टू था टू साइन ए इंटू साइन बी। ये चार फार्मूले हमने पढ़े थे। इन चारों फार्मूलों में अगर मैं कुछ सब्सिट्यूशन कर दूँ, मैं पुट कर दूँ, जहाँ जहाँ ए प्लस बी है उसकी जगह सी और जहाँ जहाँ ए माइनस बी है उसकी जगह डी। अच्छा, अगर मैं ए प्लस बी की जगह सी और ए माइनस बी की जगह डी पुट कर रहा हूँ, तो मैं ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या पुट करूँगा? तो ये अपन बहुत ईजीली निकाल सकते हैं। अगर मैं a प्लस बी की जगह c और a माइनस बी की जगह d पुट कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो 2a की वैल्यू c प्लस डी आ जाएगी। तो a की वैल्यू मैं c प्लस डी वाई टू पुट करूँगा, तो a की वैल्यू मैं क्या पुट करूँगा? c प्लस डी वाई टू। और अगर मैं a प्लस बी की जगह c और a माइनस बी की जगह d पुट कर रहा हूँ, मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो हमारे पास 2b इक्वल टू c माइनस डी आएगा। तो b की जगह मैं c माइनस डी वाई टू पुट करूँगा। तो इन जो ऊपर चार फॉर्मूले लिखे हैं उनमें ये चार सब्स्टिट्यूशन अगर हम करें, ए प्लस बी की जगह पुट कर दें सी, ए माइनस बी की जगह पुट कर दें डी, ए की जगह पुट कर दें सी प्लस डी वाई टू और बी की जगह सी माइनस डी वाई टू, तो देखें अपन क्या होता है। ठीक है, अगर हम देखें क्या होगा, तो फॉर्मूला नंबर वन, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? लिखा है साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी की जगह मैंने सी पुट कर दिया तो साइन सी, प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी की जगह डी पुट कर दिया तो प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन ए, और ए की जगह क्या पुट करना है? सी प्लस डी वाई टू, तो टू साइन ऑफ
सी प्लस डी वाई टू इंटू कॉस बी इंटू कॉस बी, और बी की जगह क्या पुट करना है, सी माइनस डी वाई टू, तो बी की जगह क्या हो जाएगा, सी माइनस डी वाई टू। तो देखिए ज़रा ये फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी की जगह सी पुट कर दिया, ए माइनस बी की जगह डी, ए की जगह सी प्लस डी वाई टू, बी की जगह सी माइनस डी वाई टू। तो फॉर्मूला बन गया पहला वाला, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी वाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू। फिर दूसरा देखिए, ए प्लस बी की जगह सी पुट करेंगे तो साइन सी, माइनस ए माइनस बी की जगह डी पुट करेंगे तो साइन डी इक्वल टू टू साइन ए कॉस कॉस टू कॉस, ए की जगह क्या पुट करेंगे, सी प्लस डी वाई टू इंटू साइन बी, बी की जगह क्या पुट करेंगे, सी माइनस डी वाई टू। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी वाई टू इंटू साइन सी माइनस डी वाई टू। फिर तीसरे वाले में आओ, कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी की जगह हमने सी पुट कर दिया, प्लस प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी की जगह डी पुट कर दिया, तो यहाँ आ गया कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू टू कॉस ए, ए की वैल्यू क्या है, सी प्लस डी वाई टू इंटू कॉस बी, और बी की वैल्यू क्या है, सी माइनस डी वाई टू। तो ये हो गया कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी वाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू। अब यहाँ आए फोर्थ वाले में, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस डी, माइनस कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब कॉस सी इक्वल टू टू साइन ए, ए की वैल्यू क्या पुट करी अपन ने, सी प्लस डी वाई टू इंटू साइन बी, बी की वैल्यू हमने क्या पुट करी, सी माइनस डी वाई टू। तो चौथा फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे ये आया, चौथा फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे ये आया कि साइन डी माइनस कॉस डी माइनस कॉस सी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी वाई टू इंटू साइन सी माइनस डी वाई टू। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसको अपन और आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो बाकी के दो फॉर्मूले बन जाएंगे, नोट कीजिए यहाँ तक। अब देखो भाई, ये कॉस डी माइनस कॉस सी था, हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाइड कर दें, तो माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये कॉस सी प्लस का हो जाएगा, कॉस डी माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा कॉस सी माइनस ऑफ कॉस डी, और यहाँ भी माइनस चले जाएगा, तो माइनस टू साइन सी प्लस डी वाई टू इंटू हो जाएगा साइन सी माइनस डी वाई टू। तो यही वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना अपन ने, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू माइनस टू साइन सी प्लस डी वाई टू इंटू साइन सी माइनस डी वाई टू, माइनस टू साइन सी प्लस डी वाई टू इंटू साइन सी माइनस डी वाई टू। तो ये आ गया। अब मैंने क्या किया कि जो साइन ऑफ सी माइनस डी वाई टू था, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस ऑफ साइन डी माइनस सी वाई टू हो गया, और मैंने फॉर्मूला लगा दिया साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ डी माइनस सी वाई टू। तो साइन ऑफ सी माइनस डी वाई टू को मैं माइनस साइन डी माइनस सी वाई टू लिख सकता हूँ। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो क्या होगा भाई, ये ऊपर पहला वाला अलग करके दिखाता हूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो यहाँ से माइनस बाहर आएगा, और जो माइनस माइनस ये है प्लस हो जाएगा। तो अगला फार्मूला ये जो हमारे पास फार्मूला नंबर फोर और फार्मूला नंबर फाइव, यही पढ़ा था ना हमने, कॉस सी माइनस ऑफ कॉस डी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी वाई टू इंटू साइन डी माइनस सी वाई टू। सही है। तो इस तरीके से ये फार्मूला नंबर फाइव हो गया, और पांचों फार्मूले को हमने ड्राइव कर लिया, नोट कीजिए यहाँ तक। ऐसे लोनी एक्सरसाइज 15 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखिए, ध्यान से देखिए, और क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है साइन सेवन थीटा माइनस ऑफ, चलो एक्सरसाइज एसएल लोन एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर वन है, साइन सेवन थीटा माइनस ऑफ साइन फाइव थीटा अपॉन कॉस सेवन थीटा प्लस कॉस फाइव थीटा, और इसकी जो वैल्यू है वो प्रूव करना है आपको, टेन थीटा प्रूफ डेड वाला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, इसमें अपन जो सी डी फॉर्मूले अपन ने पढ़े हैं उनका एप्लीकेशन यूज़ होगा, तो इसलिए इनको बड़ा ध्यान से देखना है आपको। तो इसमें अपन को क्या करना है कि अपन अगर देखें तो ऊपर हमारे पास साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, और नीचे हमारे पास कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूले सबसे पहले आपको याद होने चाहिए। तो अगर मैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, तो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी वाई टू इंटू साइन सी माइनस डी वाई टू। तो न्यूमरेटर में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा,
अब ये वाला फार्मूला अगर अपन लगाएंगे तो सी की वैल्यू क्या है 7 थीटा और डी की वैल्यू क्या है 5 थीटा। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 cos, ऊपर हमारे पास क्या जाएगा 2 cos सी प्लस डी बाई टू, तो 7 थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, मतलब 7 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये अपन ने न्यूमरेटर में लगा दिया। अब अपन डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉस सी प्लस कॉस डी, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगेगा। ये होता है 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये फार्मूला हमारे पास होता है। अगर ये फार्मूला अपन यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos, सी की वैल्यू क्या है 7 थीटा और डी की वैल्यू है 5 थीटा, तो सी प्लस डी वाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू, मतलब 7 थीटा माइनस ऑफ 5 थीटा डिवाइड बाई टू। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखिए अगर तो ये लिखा है कॉस ऑफ 7 प्लस 5 12/2 मतलब 6 थीटा और 7 माइनस 5 मतलब 2 थीटा, अपॉन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अपॉन में देखें अगर तो कॉस ऑफ 7 प्लस 5 12/2 तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 6 थीटा और कॉस ऑफ 7 माइनस 5 2/2 तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 10 थीटा होती है। तो ये हमारे पास RHS आ जाएगा और इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने वाला है आगे जाके आपको, लेकिन अभी आपको जो है फॉर्मूले अगर याद नहीं रहेंगे, अभी जबकि आप बच्चे हैं आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद नहीं है, तब तक इसमें आपको बड़ी माइनर मिस्टेक्स भी होंगी। तो इसलिए शुरुआती दौर में जब तक आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब तक फॉर्मूले आपको बिल्कुल टिप पे याद नहीं है, तो ये एडवाइस है कि आप फॉर्मूले ज़रूर मेंशन करें क्वेश्चन में, उससे आपकी गलतियाँ कम से कम होगी। तो नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। देखें क्वेश्चन नंबर 2 में तो कॉस 6 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा है, तो यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगेगा और नीचे साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा है, तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा। तो हमने क्या किया, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाया। अब कॉस सी प्लस कॉस डी में अपन ने 2 केस पढ़े हैं, कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे अपन। एक केस तो अपन ने पढ़ा है जिसमें आता है सी माइनस डी वाई टू, माइनस बाहर आ जाता है, और एक केस होता है डी माइनस सी वाई टू। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो भाई सी है 6 थीटा डी है 4 थीटा, तो सी माइनस डी पॉजिटिव है तो अपन सी माइनस डी वाला केस यूज़ करेंगे, मतलब इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 sin सी प्लस डी वाई टू और ये हमारे पास है साइन ऑफ सी माइनस डी वाई टू। तो ये हमने सी माइनस डी वाई टू वाला इसलिए यूज़ किया क्योंकि सी माइनस डी की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर डी माइनस सी की वैल्यू पॉजिटिव होती तो अपन डी माइनस सी वाला यूज़ करते। और यहाँ पे हमारे पास जो है साइन सी प्लस साइन डी लगेगा, तो अगर अपन साइन सी प्लस साइन डी वाला केस देखें तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, हमारे पास पता है 2 sin सी प्लस डी वाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू। अब ये दोनों फॉर्मूले अपन यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपन लगा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो लगाएं भाई, न्यूमरेटर की बात करें अपन तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में देखें तो न्यूमरेटर में हो जाएगा हमारे पास 2 sin माइनस 2 sin सी प्लस डी वाई टू, सी इज 6 थीटा डी इज 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी वाई टू, सी इज 6 थीटा डी इज 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 अपॉन, यहाँ जाएगा हमारे पास 2 sin सी प्लस डी वाई टू, तो 6 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू, दैट इज 6 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये बचा माइनस ऑफ साइन। अब अगर अपन यहाँ देखें तो ये 6 थीटा प्लस 4 थीटा कितना हो जाएगा 10 थीटा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कुछ जाएगा 5 थीटा, तो ये कॉस 5 थीटा इंटू साइन 6 थीटा माइनस 4 थीटा 2 थीटा अपॉन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास साइन 6 प्लस 4 10/2 तो साइन 5 थीटा और 6 माइनस 4 2 थीटा/2 मतलब ये हो जाएगा कॉस थीटा। साइन 5 थीटा कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब 10 थीटा, तो ये अपने पास राइट हैंड साइड आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। नोट कीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 अगर अपन देखें तो ये हमारे पास साइन ए प्लस साइन 3 ए अपॉन में है कॉस ए प्लस कॉस 3 ए। तो अपन इसमें क्या करें, सबसे पहले देखो प्लस वाले हैं तो ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं, तो हम साइन 3 ए पहले लिख लें, तो ये हमने साइन 3 ए प्लस साइन ए लिख लिया और अपॉन में जो है हमने कॉस 3 ए प्लस कॉस ए लिख लिया।
और हमने अब ऊपर फार्मूला न्यूमरेटर में लगाया साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, और डिनोमिनेटर में हमने लगाया कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला। अगर ये अपन फार्मूला लगाते हैं तो न्यूमरेटर में क्या जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी वाई टू, तो सी इज़ थ्री ए, डी इज ए, तो सी प्लस डी वाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू, तो थ्री ए माइनस ऑफ ए वाई टू अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस डी वाई टू, तो थ्री ए प्लस ए वाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू, तो थ्री ए माइनस ए वाई टू, टू से टू हो जाएगा कैंसिल। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन थ्री प्लस वन फोर ए अपॉन टू, मतलब साइन टू ए इंटू हो जाएगा कॉस ए, अपॉन हो जाएगा कॉस टू ए इंटू हो जाएगा कॉस ए, कॉस ए कॉस ए कैंसिल, साइन टू ए अपॉन कॉस टू ए हमारे पास आ जाएगा टेन टू ए, विच इज़ राइट हैंड साइड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थ्री हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया, नोट कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर फोर में साइन सेवन ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस एट ए माइनस साइन एट ए अपॉन साइन टू ए, तो यहाँ पर ने लगाया साइन सी माइनस साइन डी, तो हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी वाई टू, मतलब सेवन ए प्लस ए वाई टू इंटू साइन सी माइनस डी वाई टू, तो साइन ऑफ सेवन ए माइनस ए वाई टू अपॉन में जाएगा टू कॉस सी प्लस डी वाई टू, मतलब एट ए प्लस टू ए वाई टू इंटू साइन सी माइनस डी वाई टू, मतलब एट ए माइनस ऑफ टू ए वाई टू। इस तरीके से ये हो गया टू कॉस सी प्लस डी वाई टू इंटू साइन सी माइनस डी वाई टू, यहाँ पर टू कॉस सी प्लस डी वाई टू इंटू साइन सी माइनस डी वाई टू, ये हो गया कैंसिल। तो ऊपर अगर अपन देखें तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये सेवन ए प्लस ए एट ए अपॉन टू, तो ये हो जाएगा कॉस फोर ए इंटू सेवन ए माइनस ए सिक्स ए अपॉन टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थ्री ए। यहाँ आ जाओ भाई, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा एट ए प्लस टू ए टेन ए अपॉन टू, तो ये हो जाएगा कॉस फाइव ए, और ये हो जाएगा एट ए माइनस टू ए सिक्स ए अपॉन टू, तो ये हो जाएगा साइन थ्री ए। साइन थ्री ए और साइन थ्री ए कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा कॉस ऑफ फोर ए अपॉन कॉस ऑफ फाइव ए, तो कॉस ऑफ फाइव को वन अपॉन कॉस फाइव ए लिख देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस ऑफ फोर ए इंटू सेक ऑफ फाइव ए। इस तरीके से ये आर एच एस आ जाएगा और ये क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व हो जाएगा, नोट कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर फाइव में है कॉस टू बी प्लस कॉस टू ए अपॉन कॉस टू बी माइनस कॉस टू ए इक्वल टू कॉट ए प्लस बी इंटू कॉट ए माइनस बी। सॉल्व करने के लिए अपन ऊपर लगाएंगे कॉस सी प्लस कॉस डी, नीचे लगाएंगे कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी हमारे पास हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, मतलब टू बी प्लस टू ए डिवाइडेड बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, मतलब टू बी माइनस ऑफ टू ए डिवाइडेड बाई टू। अब यहाँ पे देखो भाई, माइनस तो चाहिए नहीं है, तो यहाँ पे अपन डी माइनस सी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी वाई टू इंटू साइन डी माइनस सी वाई टू, तो टू ए माइनस टू बी वाई टू, ये टू और ये टू कैंसिल, यहाँ से टू कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले टू से टू कॉमन आके कैंसिल, टू कॉमन आके कैंसिल, तो सब जगह टू कॉमन आएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस बी प्लस ए इंटू हो जाएगा कॉस ऑफ बी माइनस ए अपॉन हो जाएगा साइन ऑफ बी प्लस ए इंटू हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी। अब बी प्लस ए को अपन ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो इसे लिख देंगे कॉस ए प्लस बी, और अपॉन में हमारे पास हो जाएगा साइन ए प्लस बी। अब लेकिन ये कॉस बी माइनस ए है, तो कॉस बी माइनस ए में से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी आएगा, और यहाँ पे फॉर्मूला अपन लगा दें अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू जो है वो कॉस ऑफ ए माइनस बी के इक्वल होगी, तो ऊपर हो जाएगा कॉस ए माइनस बी और अपॉन में आ जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी, तो कॉस अपॉन साइन कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ ए प्लस बी, कॉस अपॉन साइन कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ ए माइनस बी, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कॉट ए प्लस बी इंटू कॉट ए माइनस बी, यही चाहिए था, तो यही अपने पास जो है राइट हैंड साइड आ गया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नोट कीजिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर सिक्स है साइन टू ए प्लस साइन टू बी अपॉन साइन टू ए माइनस साइन टू बी इक्वल टू टेन ए प्लस बी अपॉन टेन ए माइनस बी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए, डिनोमिनेटर में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए, तो साइन सी प्लस साइन डी हो जाता है टू साइन सी प्लस डी वाई टू, तो ये हो जाएगा टू ए प्लस टू बी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू, तो टू ए माइनस ऑफ टू बी अपॉन टू, और डिनोमिनेटर में जो है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी वाई टू,
तो हो जाएगा कॉस 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो साइन 2a माइनस 2b बाई 2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, और अपॉन में हमारे पास हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी तो हो जाएगा टेन ए प्लस बी, और कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी हो जाएगा कॉट ए माइनस बी। अच्छा कॉट ए माइनस कॉट थीटा को अपन 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं, तो अपन क्या करेंगे कॉट ए माइनस बी को लिख देंगे 1 अपॉन टेन ए माइनस बी, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा टेन ऑफ ए माइनस बी। इस तरीके से राइट हैंड साइड तक अपन पहुँच जाएंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट कीजिए भाई, नंबर 7 में साइन ए प्लस साइन 2 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस 2 इक्वल टू कॉट ए बाई 2, तो ऊपर हमने लगाया साइन सी प्लस साइन डी, तो हमने ऐसा किया इसे हमने लिख दिया साइन 2a प्लस साइन ए, और इसे हमने लिख देने दिया कॉस ए माइनस ऑफ कॉस 2a। अब साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब 2a प्लस ए बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो कॉस ऑफ 2a माइनस ए बाई 2 यहाँ आ गए। कॉस सी माइनस कॉस डी है, अब इसमें दो फॉर्मूले होते, एक में माइनस बाहर आता है एक में माइनस बाहर नहीं आता, तो यहाँ पॉजिटिव में लाना है तो माइनस बाहर नहीं लाना, तो डी माइनस सी वाला लगाएंगे तो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी वाई 2 ए प्लस 2 ए वाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी वाई 2 मतलब 2 ए माइनस ए वाई 2, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, ये हो गया हमारे पास साइन ऑफ 3 ए वाई 2 इंटू हो गया कॉस ऑफ ए वाई 2 अपॉन हमारे पास आ गया साइन ऑफ 3 ए वाई 2 इंटू हो गया साइन ऑफ ए वाई 2, ये दोनों कैंसिल, कॉस ए वाई 2 अपॉन साइन ए वाई 2 आ गया हमारे पास कॉट ए वाई 2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 प्रूफ हो गया। नोट कीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में है कॉस 2 बी माइनस कॉस 2 ए, तो यहाँ तो कॉस सी माइनस कॉस डी लगा लेंगे अपन। अच्छा यहाँ माइनस नहीं चाहिए तो डी माइनस सी वाला लगाएंगे फॉर्मूला, और ये साइन 2 बी प्लस साइन 2 ए है, तो अपन ऐसा करते हैं ये तो कॉस 2 बी माइनस कॉस 2 ए था, इसको अपन लिख लेते हैं साइन 2 ए प्लस साइन 2 बी, अहम फॉर्मूले लगाते हैं, तो न्यूमरेटर में कॉस सी माइनस कॉस डी इज 2 साइन सी प्लस डी वाई 2, तो 2 बी प्लस 2 ए वाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी वाई 2 मतलब 2 ए माइनस 2 बी वाई 2, साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी वाई 2 मतलब 2 ए प्लस 2 बी वाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी वाई 2 मतलब कॉस 2 ए माइनस 2 बी वाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर है साइन बी प्लस ए, अच्छा साइन बी प्लस ए को ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, इंटू हमारे पास है साइन ऑफ ए माइनस बी, अपॉन में हमारे पास है साइन ए प्लस बी इंटू है कॉस ए माइनस बी, ये दोनों कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन, तो आंसर इज टेन ए माइनस बी, तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज टेन ए माइनस बी विच इज़ राइट हैंड साइड। नोट कीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखें तो ये है साइन कॉस ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, एक कॉस का है एक साइन का है, तो कोई फार्मूला नहीं लग सकता, ना कॉस सी प्लस कॉस डी ना साइन सी प्लस साइन डी, भाई फार्मूले में तो या तो साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी या कॉस सी माइनस कॉस डी, दोनों सेम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक कॉस है एक साइन है। अच्छा यहाँ पे लिखा है 2 साइन ए 45 प्लस ए इंटू कॉस 45 प्लस बी, तो एक तरीका तो ही अपने से राइट हैंड साइड से सॉल्व कर सकते हैं। राइट हैंड साइड से अगर सॉल्व करना चाहें तो राइट हैंड साइड से सबसे पहले अपन इसे सॉल्व करके देखें, तो राइट हैंड साइड से अगर अपन सॉल्व करें तो ये हमारे पास लिखा है 2 साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस ए इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस बी, हमें सबसे पहले राइट हैंड साइड से सॉल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ पे अगर फार्मूला हमारे पास लगता है तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का लगता है, भाई अपन ने ये पढ़ा है 2 साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ कैपिटल में दिए इसलिए मैंने स्मॉल में ले लिया, इक्वल टू अपन ने पढ़ा है साइन ऑफ ए प्लस बी और प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये फार्मूला अपन ने पढ़ा है। अगर ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ए की जगह 45 प्लस ए और बी की जगह 45 प्लस बी पुट करना पड़ेगा, अगर अपन पुट करते हैं तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए मतलब 45 डिग्री प्लस ए प्लस बी मतलब 45 डिग्री प्लस बी, ये तो साइन ए प्लस बी हो गया, प्लस साइन ए माइनस बी, ए मतलब 45 डिग्री प्लस ए, अब माइनस बी करेंगे तो माइनस 45 माइनस बी हो जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस ऑफ 45 माइनस ऑफ बी, ये इतना अपने पास आ गया। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 45 प्लस 45 ये हो गया 90 डिग्री प्लस हो गया ए प्लस बी,
और यहाँ पे ए से क्या ए नहीं, यहाँ से 45 कैंसिल, तो ये हमारे पास बचा साइन ऑफ ए माइनस बी। अच्छा साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए प्लस बी और प्लस हमारे पास आ जाएगा साइन ए माइनस बी। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया और ये प्रूफ हो गया। अब अगर हमें इसे LHS से प्रूफ करना है तो आप उल्टा देखो, जो cos a प्लस बी था उसको sin 90 प्लस ए प्लस बी लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे sin c प्लस sin d लगा देंगे तो 2 sin c प्लस डी वाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो कि ये हमने लेफ्ट हैंड साइड से कैसे करेंगे, पहले अपन वो समझेंगे, ये नोट कर लीजिए पहले, फिर लेफ्ट हैंड साइड से कैसे करेंगे, क्या थॉट प्रोसेस रहेगी उसके बारे में बात करते हैं, नोट कीजिए पहले यहाँ तक। अब जब ये क्वेश्चन हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है तो दो तरीके हैं, या तो इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो और साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, या इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो और साइन सी प्लस साइन डी लगा दो। तो हम क्या करें, इसमें हमें बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो हमने क्या किया, हमने राइट हैंड साइड को देखा, हमने कहा राइट हैंड साइड में एक चीज़ साइन की आ रही है और एक कॉस की आ रही है, और एक साइन का एक कॉस का साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी में आता है, मतलब ये जो कॉस वाला है उसे हमें साइन में कन्वर्ट करना, ये बात क्लियर है। अब हमने आगे बढ़े तो हम कॉस थीटा को क्या क्या लिख सकते हैं, तो हमने कहा यार हम कॉस थीटा को साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हैं और साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इस कॉस थीटा होता है। तो हम क्या रखें, तो हमने फिर ये देखा, हमने कहा भाई ये 45 प्लस ए है और ये 45 प्लस बी है, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 प्लस ए प्लस बी हो रहा है, तो हम 90 प्लस थीटा वाला कंसेप्ट यूज़ करें, तो हम कॉस थीटा को साइन ऑफ 90 प्लस थीटा लिख दें, मतलब हम कॉस ऑफ ए प्लस बी को साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस ए प्लस बी लिख दें। जैसे ही अपन ये लिखेंगे तो हमारे पास अब क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कॉस सी प्लस साइन सी प्लस साइन डी के, साइन सी प्लस साइन डी के लगाएंगे तो ये पूरी चीज़ सी हो जाएगी और ये पूरी चीज़ डी हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, सी मतलब 90 प्लस ए प्लस बी प्लस डी, प्लस डी मतलब प्लस ए माइनस बी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो सी इज़ 90 प्लस ए प्लस बी और डी इज़ माइनस ऑफ ए और प्लस ऑफ बी डिवाइडेड बाई टू, यहाँ बी से बी कैंसिल, यहाँ ए से ए कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 2 साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 2 ए बाई टू, और ये आ गया हमारे पास कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 2 बी बाई टू। अब 2 से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस ए इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस बी, 2 से डिवाइड किया 90 अपॉन टू 45, 2 ए अपॉन टू ए 90 अपॉन टू 45, 2 बी अपॉन टू बी, तो ये हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमने लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व कर लिया, तो नोट कीजिए भाई यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये लिखा है कॉस 3 ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन 3 ए माइनस साइन ए प्लस कॉस 2 ए माइनस कॉस 4 ए अपॉन साइन 4 ए माइनस साइन 2 इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस 2 इंटू कॉस 3 ए, तो यहाँ पर लगाएं कॉस सी माइनस कॉस डी। अच्छा कौन सा लगाएं, प्लस माइनस वाला कि माइनस वाला, तो ये ए माइनस बी पॉजिटिव है तो माइनस वाला लगेगा, तो माइनस ऑफ 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो 3 ए प्लस ए 4 ए, 4 ए अपॉन 2 मतलब 2 ए इंटू साइन डी माइनस ए वाई सी माइनस डी बाई टू, तो 3 ए माइनस ए 2 ए अपॉन 2 ए साइन ए, नीचे आ जाओ भाई साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो 3 ए प्लस ए 4 ए अपॉन 2 मतलब कॉस 2 ए इंटू साइन सी ए सी माइनस डी बाई टू, तो 3 ए माइनस ए 2 ए अपॉन 2 मतलब साइन ए, फिर यहाँ पे आए तो ये है कॉस सी माइनस कॉस डी, तो देखो इसमें सी छोटा है डी बड़ा है, तो हम डी माइनस सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो 2 ए प्लस 4 ए 6 ए अपॉन 2 मतलब साइन 3 ए इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, तो 4 ए माइनस 2 ए 2 ए अपॉन 2 ए मतलब 2 मतलब साइन ए, यहाँ लगेगा साइन सी माइनस साइन डी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू मतलब 3 ए इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू मतलब साइन ए, साइन ए साइन ए 2 से 2 साइन ए साइन ए 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास माइनस ऑफ साइन 2 ए अपॉन कॉस 2 ए और प्लस ऑफ साइन 3 ए अपॉन कॉस 3 ए, ये आ गया। इसको अपन को सॉल्व करना है, तो इसको अगर अपन को सॉल्व करना है तो अपन ऐसा करें साइन 3 ए अपॉन कॉस 3 ए को आप पहले लिख दें, माइनस आप करके लिख दें साइन 2 ए अपॉन कॉस 2 ए को, और जैसे ये अपने पास आ गया, अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा कॉस 3 ए इंटू
कॉस टू ए, ये यहाँ जाएगा तो साइन थ्री ए इंटू कॉस टू ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थ्री ए इंटू कॉस टू ए माइनस ऑफ कॉस थ्री ए इंटू साइन टू ए, कॉस थ्री ए इंटू साइन टू ए। अब यहाँ पे फॉर्मूला न्यूमरेटर में कौन सा लग रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए माइनस बी, तो ऊपर तो आ जाएगा साइन ए माइनस बी मतलब थ्री ए माइनस टू ए, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास कॉस थ्री ए इंटू कॉस टू ए, तो साइन थ्री ए माइनस ए टू ए साइन ए, तो आ गया साइन ए अपॉन हो जाएगा कॉस थ्री ए इंटू हो जाएगा कॉस टू ए, दिस इज राइट हैंड साइड। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में ये साइन फोर ए माइनस टू बी प्लस साइन फोर बी माइनस टू ए अपॉन में कॉस फोर ए माइनस टू बी प्लस कॉस फोर बी माइनस टू ए, तो ऊपर अपन लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी, नीचे लगाएंगे कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू। अब देखना भाई, फोर ए माइनस टू बी प्लस फोर बी माइनस टू ए सी प्लस डी वाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी, तो सी करेंगे तो फोर ए माइनस टू बी, अब माइनस डी करना है अपन को, तो माइनस ही अंदर जाएगा तो माइनस फोर बी प्लस टू ए हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ऑफ फोर बी प्लस टू ए वाई टू अपॉन आ जाओ कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस डी वाई टू, तो टू कॉस सी मतलब फोर ए माइनस टू बी प्लस डी मतलब प्लस फोर बी माइनस ऑफ टू ए वाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू, तो सी मतलब फोर ए माइनस टू बी, अब माइनस डी करेंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस फोर बी प्लस टू ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ फोर बी प्लस ऑफ टू ए वाई टू। अब यहाँ पे टू से टू तो हो गया कैंसिल, ये हो गया साइन फोर ए माइनस टू ए हो गया टू ए, और फोर बी माइनस टू बी हो गया प्लस टू बी अपॉन टू इंटू हो गया कॉस फोर ए प्लस टू ए हो गया सिक्स ए, और माइनस टू बी माइनस फोर बी माइनस सिक्स बी अपॉन टू अपॉन में आ जाओ भाई, तो ये हो गया कॉस फोर ए माइनस टू ए हो गया टू ए, और माइनस टू बी ए फोर बी माइनस टू बी हो गया प्लस टू बी अपॉन टू इंटू कॉस फोर ए प्लस टू ए हो गया सिक्स ए, और माइनस टू बी माइनस फोर बी हो गया माइनस सिक्स बी अपॉन टू, तो ये कॉस कॉस वाला ये सेम आइटम कैंसिल, ऊपर क्या बचा टू आके कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर साइन ए प्लस बी नीचे कॉस ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी इज टेन ऑफ ए प्लस बी, तो इस तरीके से ये टेन ए प्लस बी मतलब क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सॉल्व हो गया। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 13 में है, टेन फाइव थीटा प्लस टेन थ्री थीटा अपॉन टेन फाइव थीटा माइनस टेन थ्री थीटा इक्वल टू फोर कॉस टू थीटा इंटू कॉस फोर थीटा, तो न्यूमरेटर में जो टेन फाइव जो टेन है सबको साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो टेन फाइव थीटा हो जाएगा साइन फाइव थीटा अपॉन कॉस फाइव थीटा, प्लस हमारे पास आ जाएगा साइन थ्री थीटा अपॉन कॉस थ्री थीटा, ये तो न्यूमरेटर हो जाएगा। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर करते हैं तो डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा साइन फाइव थीटा अपॉन कॉस फाइव थीटा माइनस ऑफ साइन थ्री थीटा अपॉन हो जाएगा कॉस ऑफ थ्री थीटा, ये हो जाएगा। तो एलसीएम अगर अपन लेंगे तो हो जाएगा कॉस फाइव थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ फाइव थीटा इंटू कॉस ऑफ थ्री थीटा प्लस कॉस ऑफ फाइव थीटा इंटू साइन ऑफ थ्री थीटा, ये तो न्यूमरेटर आ जाएगा। डिनोमिनेटर अगर अपन देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका एलसीएम कॉस फाइव थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा, सही है। अब ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ से अपने पास ये हो जाएगा साइन फाइव थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा माइनस ऑफ कॉस फाइव थीटा इंटू साइन थ्री थीटा, जैसे ही आप ये करोगे तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए प्लस बी, तो ये जाएगा साइन फाइव थीटा प्लस थ्री थीटा अपॉन हो जाएगा कॉस फाइव थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा। अच्छा ये डिवाइड को कर देंगे मल्टीप्लाइड, तो ये कॉस फाइव थीटा और कॉस थ्री थीटा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस फाइव थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा, और ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ फाइव थीटा माइनस थ्री थीटा, तो ये दोनों आइटम तो हो जाएंगे कैंसिल, साइन फाइव प्लस थ्री हो जाएगा एट थीटा, तो ऊपर हो जाएगा साइन एट थीटा, और साइन ऑफ फाइव माइनस थ्री टू थीटा, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ टू थीटा, यहाँ तक आ गए, लेकिन अभी आंसर नहीं है,
आंसर तो 4 cos 2θ into cos 4θ है। तो पहले यहाँ तक नोट करो, फिर इसके आगे मैं सॉल्व करता हूँ। हमारे पास आ गया sin 8θ / sin 2θ। आगे जाके अपन हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसका भी अप्लाई यहाँ हो सकता है, लेकिन अभी हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। हम इसको सिंप्लीफाई करके ही सॉल्व करेंगे, जो हमने अभी तक फॉर्मूले पढ़े उसका यूज़ करके। sin 8θ को मैंने लिख दिया sin of 4θ + 4θ, और यहाँ मैंने sin of a + b का फॉर्मूला लगाया। तो ये हमारे पास आएगा sin a (cos b) + cos a (sin b). ए की जगह भी 4θ रखा, बी की जगह भी 4θ रखा, तो ये वाला टर्म भी sin 4θ (cos 4θ) है, और ये वाला टर्म भी sin 4θ (cos 4θ) है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2 sin 4θ (cos 4θ). तो sin 8θ को हमने यहाँ पे रख दिया 2 sin 4θ (cos 4θ) / sin 2θ। फिर हमने sin 4θ लिया, sin 4θ को हमने लिख दिया sin of (half angle formula) मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, ठीक है, जब पढ़ाएंगे तब यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा sin 2θ + 2θ, और यहाँ sin a + b लगाएंगे तो ये हो जाएगा sin a (cos b) + cos a (sin b). तो ये हो जाएगा sin 2θ (cos 2θ), ये भी sin 2θ (cos 2θ). तो ये हो जाएगा 2 sin 2θ (cos 2θ). तो यहाँ हमारे पास आ गया 2 sin 2θ (cos 2θ) / sin 2θ (sin 2θ, sin 2θ) कैंसिल। तो 2 × 2 हो गया 4, इंटू हो गया cos 2θ, इंटू हो गया cos 4θ। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 में हम क्या कर सकते हैं। तो हमने ऐसा किया कि हमने ये जो cos 2 cos 5θ था, इसको हमने भाई ये हमारे पास जैसे 2 cos 5θ है, तो इसको हम cos 5θ + cos 5θ लिख सकते हैं। तो ये दो हो जाएगा, एक बार इसे एक 3θ वाले को दे दो, एक 7θ वाले को, तो एक जगह हो जाएगा cos 5θ + cos 3θ, और एक जगह हमारे पास हो जाएगा cos 7θ + cos 5θ। क्या किया हमने, देखो जो cos 5θ था 2 cos 5θ, उसे हमने cos θ + cos 5θ + cos 5θ लिखा। एक cos 5θ हमने 3θ वाले के साथ रख दिया, और एक cos 5θ हमने 7θ वाले के साथ रख दिया। फिर अपन डिनोमिनेटर में आए, अगर हम डिनोमिनेटर के बारे में बात करें तो ये cos 3θ है, तो इसको भी अपन cos 3θ + cos 3θ लिख दो, एक इसके साथ लिख दो, एक इसके साथ लिख दो। तो ये हो जाएगा cos 3θ + cos θ, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा cos 5θ + cos 3θ। अब अपन यहाँ पे लगा लो भाई फॉर्मूला, यहाँ cos c + cos d, cos c + cos d, cos c + cos d, cos c + cos d। जैसे अपन ये लगाते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos c + d/2, तो 5 + 3 (8/2) मतलब 4θ, (cos c - d/2) तो 5 - 3 (2/2) मतलब cos θ। ये आ गया पहला वाला। फिर यहाँ लगाएंगे तो 2 cos c + d/2, तो 7 + 5 (12/2) मतलब cos 6θ, (cos c - d/2) तो 7 - 5 (2/2) मतलब cos θ, अपॉन यहाँ लगाएंगे cos c + cos d, तो ये हो जाएगा 2 cos c + d/2, तो 3 + 1 (4/2) मतलब cos θ, (cos c - d/2) तो 3 - 1 (2/2) मतलब cos θ। फिर ये हो जाएगा 2 cos c + d/2, तो 5 + 3 (8/2) मतलब cos 4θ, (cos 5 - 3 (2/2) मतलब cos θ। अब ये 2 cos θ, 2 cos θ, 2 cos θ, 2 cos θ सब में कॉमन है, कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा cos 4θ + cos 6θ, और नीचे हमारे पास बचेगा cos 2θ + cos 4θ। यहाँ तक अपने पास आ जाएगा। तो अब ऊपर लगाएंगे अपन cos c + cos d, बड़े वाले को c लेंगे, छोटे वाले को d, और नीचे भी cos c + cos d, तो cos c + cos d लगाएंगे तो 2 cos c + d/2, तो 5 + 6 + 4 (10) (10/2) मतलब 5θ, (cos c - d/2) तो 6 - 4 (2/2) मतलब cos θ, अपॉन cos c + cos d, तो 2 cos c + d/2, तो cos 4 + 2 (6/2) मतलब cos 3θ, (cos c - d/2) तो 4 - 2 (2/2) मतलब cos θ, cos θ, cos θ, 2 से 2 कैंसिल। ये यहाँ तक अपना हो गया। अब जब यहाँ तक अपना हो गया, अपन आगे बढ़ेंगे, तो अपन ने पास जो बचा है
वो अपने पास ऊपर बचा है कॉस ऑफ फाइव थीटा, और नीचे हमारे पास है, नीचे हमारे पास है कॉस ऑफ थ्री थीटा। तो नीचे हमारे पास है कॉस ऑफ थ्री थीटा। अब देखो हमें जो प्रूफ करना है उसमें टू थीटा और थ्री थीटा है, तो हमें क्या करना है, फाइव थीटा को रख देना है टू थीटा प्लस थ्री थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ टू थीटा प्लस थ्री थीटा अपॉन कॉस थ्री थीटा। तो ऊपर लग जाएगा कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस टू थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन टू थीटा इंटू साइन थ्री थीटा। ये है कॉस ए प्लस बी इज़ कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, अपॉन में क्या है कॉस थ्री थीटा। तो अपॉन में जो कॉस थ्री थीटा है वो दोनों के अपॉन में अलग अलग ले लिया अपन ने, तो इसके अपॉन में भी कॉस थ्री थीटा और इसके अपॉन में भी कॉस थ्री थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये बचा कॉस टू थीटा माइनस, और ये साइन थ्री थीटा अपॉन कॉस थ्री थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थ्री थीटा। तो टेन थ्री थीटा इंटू साइन टू थीटा, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कॉस थ्री थीटा कैंसिल, तो बचा कॉस टू थीटा, और यहाँ पे साइन थ्री थीटा अपॉन कॉस थ्री थीटा टेन थ्री थीटा इंटू साइन टू थीटा, इस तरीके से इसका राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो नोट कीजिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम देखें तो हमारे पास है साइन ए प्लस साइन थ्री ए प्लस साइन फाइव ए प्लस साइन सेवन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस थ्री ए प्लस कॉस फाइव ए प्लस कॉस सेवन ए इक्वल टू टेन फोर ए, अपन को प्रूव करना है। तो अपन ऐसा करते हैं भाई, अपन ऐसा करते हैं कि साइन सेवन ए और साइन ए को साथ में ले लेते हैं, क्योंकि सेवन प्लस वन एट और फाइव और थ्री एट। तो हमने क्या किया, साइन सेवन ए प्लस साइन ए को साथ में ले लिया। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? और साइन फाइव ए और साइन थ्री ए को साथ में ले लिया, और अपॉन में हमने देखा तो कॉस सेवन ए और कॉस ए को साथ में ले लिया, तो ये हो गया कॉस सेवन ए प्लस कॉस ए, और प्लस हमारे पास आ गया कॉस फाइव ए प्लस कॉस थ्री ए, इसको अपन ने साथ में ले लिया। यहाँ पे अपन ने लगाया साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ भी साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी, यहाँ भी कॉस सी प्लस कॉस डी, तो साइन सी प्लस साइन डी लगाया तो ये हो गया टू साइन सी प्लस डी वाई टू। तो सेवन प्लस ए एट ए अपॉन टू, तो साइन फोर ए इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू, सेवन माइनस ए सिक्स ए अपॉन टू, तो थ्री ए। साइन सी प्लस साइन डी मतलब टू साइन सी प्लस डी वाई टू मतलब साइन फोर ए इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू मतलब कॉस ए, कॉस सी प्लस कॉस डी मतलब टू कॉस सी प्लस डी वाई टू मतलब कॉस फोर ए इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू मतलब कॉस थ्री ए प्लस टू कॉस सी प्लस डी वाई टू मतलब कॉस फोर ए इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू मतलब कॉस फाइव ए माइनस थ्री ए टू ए अपॉन ए मतलब टू मतलब ए। तो ऊपर से हमारे पास साइन फोर ए कॉमन आएगा, जब ऊपर से साइन फोर ए कॉमन आएगा तो अंदर हमारे पास आ जाएगा कॉस थ्री ए प्लस कॉस ए, और नीचे से हमारे पास टू कॉस फोर ए कॉमन आएगा तो अंदर हमारे पास आ जाएगा कॉस थ्री ए प्लस कॉस ए। अब कॉस थ्री ए प्लस कॉस ए, कॉस थ्री ए प्लस कॉस ए टू से टू कैंसिल, साइन फोर ए अपॉन कॉस फोर ए मतलब टेन फोर ए, तो आंसर इज टेन फोर ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, नोट कीजिए भाई। देखिए भाई, ये साइन थीटा प्लस फाइव, ये साइन थीटा माइनस फाइव, इन दोनों को साथ में लिख लेंगे, कॉस थीटा प्लस फाइव कॉस थीटा माइनस फाइव इन दोनों को साथ में लिख लेंगे। अगर इन दोनों को साथ में लिखते हैं तो ये हो गया साइन थीटा प्लस फाइव प्लस हो गया साइन थीटा माइनस फाइव, और माइनस हमारे पास आ गया टू साइन थीटा। अपॉन में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव माइनस ऑफ टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, क्या होता है टू साइन ए कॉस बी, तो ये हो गया टू साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, और माइनस ऑफ टू साइन थीटा। अपॉन में देखें तो टू कॉस, ये कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, टू कॉस ए कॉस बी, तो ये हो जाएगा टू कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, माइनस हमारे पास क्या जाएगा टू कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर से देखें तो टू साइन थीटा टू साइन थीटा ये कॉमन आ गया, ये आ गया टू साइन थीटा कॉमन, तो अंदर हो गया कॉस फाइव माइनस वन, यहाँ से टू कॉस थीटा कॉमन हो गया, तो टू कॉस थीटा अगर कॉमन हो गया तो अंदर हमारे पास बचा कॉस फाइव माइनस वन,
कॉस फाइव माइनस वन, कॉस फाइव माइनस वन, टू से टू कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया, नोट कीजिए भाई। भाई क्वेश्चन नंबर 17 है, साइन ए प्लस टू साइन थ्री ए प्लस साइन फाइव ए अपॉन साइन थ्री ए प्लस टू साइन फाइव ए प्लस साइन सेवन ए इक्वल टू साइन थ्री अपॉन साइन फाइव ए। यहाँ पर अगर हम देखें तो फाइव प्लस वन सिक्स है ना, और यहाँ थ्री, सेवन प्लस थ्री टेन, उसका आधा यहाँ पे फाइव। तो हम ऐसा कर लेते हैं, हम साइन फाइव ए और साइन ए को साथ में ले लेते हैं और प्लस हमारे पास आ जाएगा टू साइन थ्री ए, और यहाँ पे साइन सेवन ए प्लस साइन थ्री ए को साथ में ले लेते हैं और ये हो जाएगा टू साइन फाइव ए। साइन सी प्लस साइन डी लगाते हैं तो ये हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी वाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू प्लस टू साइन थ्री ए। साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो टू साइन सी प्लस डी वाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू प्लस टू साइन फाइव ए। ऊपर से कॉमन ले लेंगे टू साइन थ्री ए, तो अंदर हो जाएगा हमारे पास कॉस टू ए प्लस वन। नीचे से आ जाएगा कॉमन आ जाएगा टू साइन फाइव ए, तो अंदर हो जाएगा टू कॉस टू ए प्लस वन, कॉस टू ए प्लस वन, कॉस टू ए प्लस वन, टू से टू कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा साइन थ्री ए और नीचे आ जाएगा साइन फाइव ए। नोट कीजिए भाई। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारे पास है, इसमें साइन ए माइनस सी प्लस टू साइन ए प्लस साइन ए प्लस सी और साइन बी माइनस सी प्लस टू साइन बी प्लस साइन बी प्लस सी इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन बी। बहुत ही आसान है, अपन साइन ए प्लस सी और साइन ए माइनस सी को साथ में ले लो तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए प्लस सी प्लस साइन ऑफ ए माइनस सी, और ये हो जाएगा हमारे पास टू साइन ए, और साइन बी प्लस सी प्लस साइन बी माइनस सी, साइन ऑफ बी प्लस सी प्लस साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस है टू साइन बी। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का क्या होता है, टू साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा टू साइन ए इंटू कॉस सी प्लस हो जाएगा टू साइन ए। और यहाँ भी अपन लगाते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है भाई, टू साइन ए इंटू कॉस बी, तो हो जाएगा टू साइन बी इंटू कॉस सी प्लस टू साइन बी। न्यूमरेटर से कॉमन आ रहा है टू साइन ए, तो अंदर हमारे पास बच रहा है कॉस सी प्लस वन। डिनोमिनेटर से कॉमन आ रहा है टू साइन बी, तो अंदर बच रहा है कॉस सी प्लस वन, कॉस सी प्लस वन, कॉस सी प्लस वन, टू से टू कैंसिल, तो आंसर हमारे पास आ गया साइन ए अपॉन साइन बी। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो गया, नोट कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 19 में है, साइन ए माइनस साइन फाइव ए प्लस साइन नाइन ए माइनस साइन थर्टीन ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस फाइव ए माइनस कॉस नाइन ए प्लस कॉस थर्टीन ए इक्वल टू कॉट फोर ए। हमारे पास जो है कॉट फोर ए है, ठीक है भाई, तो अपन ऐसा करें, थर्टी साइन नाइन ए और साइन ए को साथ में ले सकते हैं और साइन थर्टीन ए और साइन फाइव ए को साथ में ले सकते हैं। तो अगर हमने ले लिया तो ये हमारे पास आ गया साइन ऑफ नाइन ए प्लस साइन ए, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थर्टीन ए प्लस साइन फाइव ए। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, ये हमारे पास आ गया कॉस ए माइनस ऑफ कॉस नाइन ए, और यहाँ से अपन अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कॉस फाइव ए माइनस ऑफ कॉस थर्टीन ए। अब यहाँ से लगेगा साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो टू साइन सी प्लस डी वाई टू, तो नाइन प्लस वन टेन वाई टू मतलब फाइव है, इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू, तो नाइन माइनस वन एट वाई टू मतलब कॉस फोर है, माइनस ऑफ टू साइन सी प्लस डी वाई टू, तो थर्टीन प्लस फाइव एट्टीन वाई टू मतलब नाइन है, इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू, तो थर्टीन माइनस फाइव एट वाई टू मतलब कॉस फोर है, अपॉन आ जाओ, ये हो गया कॉस सी माइनस कॉस डी। अब डी बड़ा है तो डी माइनस सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो टू साइन सी प्लस डी वाई टू, तो नाइन प्लस वन टेन वाई टू मतलब साइन फाइव है, इंटू साइन डी माइनस सी वाई टू, तो नाइन माइनस वन एट अपॉन टू मतलब साइन फोर है, माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी, टू साइन सी प्लस डी वाई टू मतलब फाइव प्लस थर्टीन एटीन बाई टू मतलब साइन नाइन है, इंटू साइन डी माइनस सी वाई टू, थर्टीन माइनस फाइव एट बाई टू मतलब साइन फोर है। ऊपर से अगर अपन कॉमन लेंगे तो टू कॉस फोर ए कॉमन आएगा,
तो अंदर हमारे पास आ जाएगा साइन 5a माइनस ऑफ साइन 9a, नीचे से अगर हम कॉमन लेंगे तो 2 साइन 4a कॉमन आएगा, अंदर बचेगा साइन 5a माइनस ऑफ साइन 9a, ये दोनों कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस 4a अपॉन साइन 4a, इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉट 4a। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नोट कीजिए भाई यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ज़्यादा आसान है, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी, टेन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉट ए माइनस बी बाई टू, यहाँ लगाओ साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ लगाओ साइन सी माइनस साइन डी, क्वेश्चन सॉल्व। ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin c + d/2, तो साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू अपॉन साइन सी माइनस साइन डी, हो जाएगा 2 cos c + d/2, तो कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, मतलब ए माइनस बी बाई टू, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस, ये टेन ए प्लस बी बाई टू आ गया, और कॉस अपॉन साइन, ये कॉट ए माइनस बी बाई टू आ गया। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 20, नोट कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करना है, तो ऐसा करते हैं इन दोनों को साथ में लेके कॉस सी प्लस कॉस डी लगा लेंगे, इन दोनों को साथ में लेके कॉस सी प्लस कॉस डी लगा लेंगे, इन दोनों को साथ में लेंगे साइन सी प्लस साइन डी लगा लेंगे। अब इसके आगे माइनस है, ये वाला प्लस है, तो यहाँ से माइनस कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ साइन सी माइनस साइन डी लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे लगाएंगे अपन। तो यहाँ अगर हम कॉस सी प्लस कॉस डी लगाएंगे तो हो जाएगा 2 cos c + d, अब देखना जरा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये करेंगे ए से ये कैंसिल, तो 2b + 2c/2, तो b प्लस सी बचेगा, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस से यहीं करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए माइनस बी माइनस सी, ये बी सी बी सी कैंसिल, तो 2a/2, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस। अब यहाँ ये है कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 cos c + d/2, सी प्लस डी करेंगे तो ए माइनस बी प्लस सी, और ए प्लस बी माइनस सी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a/2, मतलब कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, सही है, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 cos c + d/2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो ए माइनस बी प्लस सी, और ए प्लस बी माइनस सी को सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर, तो ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल, ये माइनस 2b माइनस माइनस 2b, और ये प्लस 2c, ये हो जाएगा। तो अगर ये देखें तो माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, तो ये जाएगा हमारे पास माइनस बी प्लस सी। अच्छा देखो, ये कॉस ऑफ माइनस बी प्लस सी है, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस ऑफ बी माइनस सी होगा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो कॉस बी माइनस सी हो जाएगा, तो ये कॉस बी माइनस सी हो गया। फिर आगे बढ़े अपन, अब डिनोमिनेटर में आते हैं, डिनोमिनेटर में अगर आएँ, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में यहाँ लगेगा साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 sin c + d/2। अच्छा देखो, ये ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी दोनों सेम ही है ना ऊपर के, तो ऑबियस है यहाँ पे बी प्लस सी आएगा, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो कॉस ए आएगा, फिर माइनस साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c + d/2, तो कॉस ए आएगा, इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो साइन ऑफ बी माइनस सी आएगा, साइन ऑफ बी माइनस सी नहीं, साइन ऑफ माइनस बी प्लस सी आएगा, फिर यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर बी माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर से देखो, ऊपर से कॉमन आ रहा है 2 cos a, तो अंदर हमारे पास बच रहा है कॉस ऑफ बी प्लस सी प्लस कॉस ऑफ बी माइनस सी, और नीचे से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2 cos a, तो अंदर हमारे पास बच रहा है साइन ऑफ बी प्लस सी प्लस साइन ऑफ बी माइनस सी। अब ये 2 cos a कैंसिल, कॉस बी प्लस सी प्लस कॉस बी माइनस सी इज 2 cos b cos c, तो ये 2 cos b cos c हो गया, साइन बी प्लस सी प्लस साइन बी माइनस सी इज 2 sin b cos c, ये 2 sin b cos c हो गया, cos c 2 से 2 कैंसिल, तो कॉस बी अपॉन साइन बी, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, कॉट बी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, नोट कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है साइन 50° माइनस साइन 70° प्लस साइन 10° इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हमारे पास साइन 70° माइनस ऑफ साइन 50° हो जाएगा, प्लस साइन 10° तो है, यहाँ लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी,
तो हो जाएगा 2 cos c plus d by 2, तो 70 plus 50 by 2 into sin c minus d by 2, 70 minus 50 by 2 plus हो जाएगा sin 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा minus 2 cos 70 plus 50 120 by 2 मतलब 60 into ये हो जाएगा 20 by 2 मतलब sin 10 plus हो जाएगा sin 10. अब cos 60 तो half होता है, तो 2 into 1 by 2 into sin 10 degree प्लस साइन 10 डिग्री, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस ऑफ साइन 10 डिग्री और प्लस ऑफ साइन 10 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, जीरो. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जीरो, ये प्रूफ हो गया. नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 27 हो गया. क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हैं. साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री, तो इसमें हमने 10 को और 50 को साथ में लिया, तो हमने यहाँ पे लिख लिया साइन ऑफ 50 डिग्री प्लस साइन ऑफ 10 डिग्री, और ये हमारे पास आ गया साइन ऑफ 40 डिग्री प्लस साइन ऑफ 20 डिग्री. साइन सी प्लस साइन डी लगाया, तो 2 साइन सी प्लस डी वाई टू, तो साइन 30 इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू मतलब कॉस 20. साइन सी प्लस डी वाई टू मतलब साइन 30, कॉस सी माइनस डी वाई टू मतलब कॉस 10. साइन 30 की वैल्यू 1 बाई टू होती है, तो 2 इंटू 1 बाई टू इंटू कॉस 20, और साइन 30 1 बाई टू, तो 2 इंटू 1 बाई टू इंटू कॉस 10, ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 10 डिग्री. कॉस थीटा को लिख दिया साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये साइन 90 माइनस 20, और ये आ गया हमारे पास साइन ऑफ 90 माइनस 10, तो ये हमारे पास आ गया साइन 70 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री, तो ये हमारा आंसर आ गया. इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व हो गया. नोट कर लो भाई क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करते हैं. साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा प्लस साइन 5 अल्फा इक्वल टू 4 कॉस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस 3 अल्फा बाय 2 इंटू साइन 3 अल्फा, तो 3 अल्फा चाहिए, तो 5 प्लस 1 6 और 4 प्लस 2 6, तो अपन ने क्या किया, साइन 5 अल्फा प्लस साइन अल्फा को साथ में ले लिया और साइन 4 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा को साथ में ले लिया. यहाँ पे अपन ने लगाया साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी वाई टू मतलब साइन 3 अल्फा इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू मतलब कॉस 2 अल्फा. 2 साइन सी प्लस डी वाई टू मतलब साइन 3 अल्फा इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू मतलब कॉस अल्फा. 2 साइन 3 अल्फा हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास हो गया कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस अल्फा. यहाँ हमने कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दिया, तो ये हो गया हमारे पास 2 साइन 3 अल्फा इंटू 2 कॉस सी प्लस डी वाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू, तो ये हो गया 4 इंटू साइन 3 अल्फा इंटू कॉस 3 अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू. इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो सॉल्व हो गया. नोट कीजिए भाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 30 में ये हमारे पास दिया हुआ है, हमें कॉस सी माइनस कॉस डी लगाना है, तो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी वाई टू. सी प्लस डी वाई टू मतलब थीटा प्लस एन फाई माइनस 3 पाई बाई टू, और थीटा प्लस एन फाई प्लस 3 पाई बाई टू, इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2 एन फाई, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो थीटा प्लस एन फाई इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, डी माइनस सी करेंगे तो साइन थीटा प्लस एन फाई प्लस 3 पाई बाई टू, और थीटा प्लस एन फाई माइनस 3 पाई बाई टू, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास 6 पाई बाई टू मतलब 3 फाई आ जाएगा, और उसके डिवाइड बाय 2 मतलब 3 पाई बाय 2, तो ये अपना आंसर आ जाएगा. तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30. सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 31 है, तो नोट कर लो भाई यहाँ तक. हाँ भाई बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास? तो अपन ने आज एस एल लोनी की एक्सरसाइज 14 पूरी सॉल्व कर ली. चलिए फिर मिलेंगे अपन अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.